आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे आस्क योर क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 366 टू क्वेश्चन नंबर 375। आज का क्वेश्चन है रिलेटेड टू फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील के फर्दर सीसीआई अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ में एक की इन्फॉर्मेशन जो शुरू की थी इन द मॉर्निंग उसके ऊपर जो पॉजिटिव रिएक्शन किया है आज स्टॉक मार्केट ने उसका भी चार्ट पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 366 पूछा गया है शैलेंद्र सिंह जी के द्वारा। इनका प्रश्न है जैसे जैसे डील में डिले हो रही है वैसे वैसे फ्यूचर ग्रुप की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। डिले इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। लॉसेस भी पर क्वार्टर अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ पाइल अप होते जा रहे हैं। जो ओके क्या रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील वाली चेंज हो सकती है? लॉस कौन बियर करेगा? ऐसे तो किशोर बियानी जी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, प्लीज क्लैरिफाई। तो बहुत अच्छा प्रश्न है शैलेंद्र जी आपने। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं स्टॉक मार्केट जो है आप और हम से चार कदम आगे रहता है। जब मार्च में कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब से इसका प्राइस गिरकर 60 तक नीचे चला गया था, 400 से गिरकर 60 का भाव रह गया था। तो ये आपको समझने वाली बात है कि इसमें हाई प्राइस बहुत ज़्यादा था ऊपर शुरू में, और उसके बाद में 60 रुपये तक जाके फिर स्टेबलाइज हुआ और ऊपर चलने की कोशिश की डील के चलते हुए। तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर लेते हैं मार्केट में। जब मार्च अप्रैल में लो बना था तब तक उस टाइम तक सारा का सारा फैक्टर इन हो चुका था कि आगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में इसकी सेल्स नेगेटिव रहेगी, इस वजह से इनका लॉस रहेगा। यही रीज़न है इतने ज़्यादा करेक्शन हुआ था उसमें, और अभी तक ये पूरा अपने प्री कोविड लेवल को नहीं पहुंच सकते। आज हमने फिर से नया हाइट बनाया है निफ्टी में और बैंक सेंसेक्स में उसके चलते हुए, पर जो स्टॉक्स है जो ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है उसमें अभी तक पॉजिटिव व्यू नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 367 अंकित पटेल जी का प्रश्न है। सर क्या जब तक कोर्ट केस सॉल्व नहीं होगा तब तक सीसीआई अप्रूवल नहीं आएगा? जी अंकित जी, देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना प्रश्न पूछा। सीसीआई इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, नॉट डिपेंडेंट ऑन कोर्ट हियरिंग। कोर्ट केस रिजल्ट विल बी सेंड टू कंपनीज। इस केस में अमेजन, रिलायंस एंड फ्यूचर जो भी रिजल्ट आएगा वो तीनों को भेजा जाएगा, और साथ ही साथ में सेबी को उसकी एक कॉपी जाएगी। सीसीआई का अप्रूवल अब आ भी जाता है, उसके बाद में भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है कोर्ट का अप्रूवल भी सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 368 पूछा गया है शिवम उपाध्याय जी के द्वारा। अमेजन इज रेडी टू पे 30,000 करोड़ टू फ्यूचर ग्रुप टू टेक ओवर द होल बिजनेस। कैन यू सी मनी कंट्रोल आर्टिकल? तो शिवम जी, हमने इसकी सारी न्यूज स्टडी की है मनी कंट्रोल पर भी, और जो हमारा व्यू है वो ये है कि दिस इज एन आर्ग्यूमेंट पुट अप बाय फ्यूचर ग्रुप। और वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि महज 1,400 करोड़ से अमेजन वॉन्ट टू कंट्रोल द एंटायर फ्यूचर ग्रुप जिसकी वर्थ 30 करोड़ के आसपास है, 30,000 करोड़ के आसपास है। तो उनका यही आर्ग्यूमेंट है कि आप इसको इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्यूचर ग्रुप इज अ बिग एंटिटी। फ्यूचर कूपन के 1,400 इन्वेस्टमेंट से आप सारे के सारे फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ और दूसरा इन्फॉर्मेशन है तो हमें बताइएगा, बट दिस इज वॉट वी हैव रेड इट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन 369 पूछा गया के वी जी के द्वारा। इनका क्वेश्चन है फ्यूचर ग्रुप टारगेट फॉर 2021। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं फ्यूचर रिटेल का अगर टारगेट की बात की जाए तो 170 का टारगेट है इसका, और वो अर्ली पार्ट ऑफ 2021 रहेगा। फरवरी हमारा उम्मीद है फरवरी एंड तक इसका रिजल्ट ये हो जाना चाहिए यहाँ पर। और अगर FEL की बात करें तो समटाइम आफ्टर द रीलिस्टिंग हमारे उम्मीद से मई जून के टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। वहाँ पर रीलिस्टिंग के बाद जो सेटल प्राइस होगा वो करीब करीब 20 रुपये के आसपास होगा। तो शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन, सारी की सारी एंटिटीज मर्ज हो जाएंगी FEL में, और ओवरऑल FEL का प्राइस 20 रुपये के आसपास होना चाहिए 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 370 पूछा गया है अभिजीत पाइक जी के द्वारा। इनका प्रश्न है देयर इज अ न्यूज़ टुडे सेइंग दैट गवर्नमेंट मल ई
मल्स ईजिंग ऑफ FDI इन्वेस्टमेंट, व्हाट्स योर व्यू? तो अभिजीत जी देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि डाइवेस्टमेंट गवर्नमेंट का एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू वो लोग एडिशनल कैश को जनरेट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग FDI की रिलैक्सेशन होती है। अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें ये सोच रहे हैं कि रिटेल में FDI का अगर आना होगा तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसके इससे ज़्यादा कोई अभी उसमें FDI की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविजन नहीं किया गया है और ना ही हमारे हिसाब से उसकी बात चल रही है। रिटेल सेगमेंट विल बी द लास्ट वन फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवेस्टमेंट परस्पेक्टिव फॉर FDI इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो अपना पोर्टफोलियो का 80% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखें, 20% से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और अगर हमारी ट्रेडिंग की हेल्प है तो मिल ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 379 पूछा गया है आशुतोष दत्ता जी के द्वारा। इनका प्रश्न है, वाई CCI टेकिंग सो मच टाइम इफ दे हैव अ क्लियर व्यू ऑन फ्यूचर रिटेल डील, वाई दे हैव डिनाइड, नॉट गिविंग इज इक्वल्स टू डिनाइड। तो आशुतोष जी देखिए, आपका तो आपके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू सही कह रहे हैं, अग्री फ्रॉम योर परस्पेक्टिव एज अ एंड कस्टमर वी ऑल आर सफरिंग। हम स्टेक होल्डर हैं जो उसके शॉपिंग करने जाते हैं उनके स्टोर्स में, वहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है, स्टोर्स में सामान नहीं मिल रहा है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है, अच्छी इमेज नहीं है। और स्पेशली जब आपने दिवाली सेल बोनांजा की बात की है, कस्टमर वो अमेजन ने ऑलरेडी फेस्टिवल ऑफर शुरू कर दिया था और वो चला गया है, और यहाँ पर अगर इस टाइम पर दिवाली के टाइम पर अगर जियो मार्ट पर, जैसा हमारा उम्मीद था कि जियो मार्ट का स्विच ही ऑन करना है, उनको बाकी सारी ऐप हो चुकी है, वो होता तो बहुत अच्छा दिवाली का अपॉर्चुनिटी मिलता, दिवाली गिफ्ट मिलता मुकेश भाई की तरफ से, साथ में फीचर ग्रुप की तरफ से सब रिटेल इन्वेस्टर को। पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें इसको आगे लेके चलना है, देखते हैं कैसे होगा आगे आने वाले समय के लिए। पर CCI इन्फॉर्म्ड टू कम आउट देयर डिसीजन इन अ वीक ऑफ रिसिपियंट ऑफ रिक्वेस्ट टू CCI अप्रूवल। ये शायद आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, ये हमारे हिसाब से जनरली वो बताते हैं 1 से 3 महीने का टाइम लगता है इस प्रोसेस के लिए। फ्यूचर कूपन का अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली 28 डेज लगे थे। जो ये अप्रूवल होगा हमारे हिसाब से बहुत जल्द आने वाला है। लेटेस्ट अपडेट हमारे पास यही है कि वेस्ट बंगाल का अप्रूवल का प्रोसेस भी कोई मेजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ से भी CCI के रेफरेंस में कंसोलिडेशन होगी, तब रिपोर्ट निकलेगी, तब आपको डिटेल बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 372 अनुज सक्सेना जी का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई करंटली होल्ड 170 शेयर फॉर फ्यूचर रिटेल एट 95। तो अनुज जी, आपका एवरेज प्राइस सिर्फ 2 रुपये कम है हमसे, 97 के आसपास, अच्छा प्राइस है। हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, हमारा प्राइस जो है एवरेज 97 का है। इट इज़ अबाउट 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो, हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ 5% के अलोकेशन हमने फ्यूचर रिटेल में किया है। आप आई अप्रिशिएट कि आपने अपना क्लियर पोजिशन यहाँ पर बताया है। हाउ डू आई ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट डाउन टू 5% ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो? सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे सबसे पहले कि देखिए, जब जैसे ही CCI का अप्रूवल आएगा, हमारे हिसाब से इसका प्राइस ट्रिपल डिजिट में चला जाएगा 100 के ऊपर जाने के बाद। जैसे ही आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है 100 के ऊपर जाने के लिए, आप अपने फ्यूचर रिटेल की 50% होल्डिंग जो हो उसको मार्केट पे सेल कर लीजिएगा जैसे ही ट्रिपल डिजिट में आए। 100 रुपये के ऊपर कुछ भी रहे आप उसको सेल कर सकते हैं। प्राइस इज बियरली फ्लक्चुएटिंग ऑफ फ्यूचर रिटेल, जो कि आपने सही बोला है, बहुत दिनों से ऑब्जर्वेशन है, नेगेटिव कैंडल बन रही है पर प्राइस जो है एक नैरो रेंज में घूम रहा है। अब हमने जैसा बताया CCI का अप्रूवल इज अ की ट्रिगर इवेंट जो कि पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ इसको लेके जाएगा। आई हैव सम कैश लिक्विड एट हैंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेविंग, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेविंग, डू आई इन्वेस्ट मोर टू ब्रिंग डाउन एवरेज प्राइस और जस्ट होल्ड? तो अनुजी, हमें मालूम नहीं है आपके पास कितना कैश है एट हैंड। हमने देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको वो पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में जो आपको आने वाले कम से कम 1 साल में ना जरूरत पड़े। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो ये नहीं कि आपके पास में सेविंग्स अकाउंट में या फिर आपके करंट अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, आप सोचे चलो थोड़े टाइम के लिए उसको स्टॉक में डाल देते हैं, नहीं, उसको अवॉइड कीजिए। और साथ ही साथ में जैसा हमने अपनी पोजीशन बताई हुई है कि हमने पहले कम क्वांटिटी थी पर 5% के लेवल पर थी, अब उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद इन्होंने इम्प्रूव किया है, हमने क्या किया है, हमने एवरेज किया है, हमने एडिशनल 50% फंड्स अरेंज किए थे टोटल मिलाकर अपने पोर्टफोलियो साइज़ के,
थ्रू थ्री डिफरेंट ऑप्शंस, और उसके बाद हमारा एवरेज प्राइस जो हो गया 97 के आसपास हो गया है। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास इतना बड़ा कैश। आई डोंट नो हाउ मच मनी यू हैव इट एंड फॉर व्हाट ड्यूरेशन यू वांट इट। कम से कम अगर आप एक साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस प्राइस पर उसको आप एडिशनल क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। अगर आपने डबल पोर्टफोलियो भी किया तो भी आपका पोर्टफोलियो पे हम एडवाइस नहीं करेंगे फ्यूचर रिटेल को ऐड करने के लिए। तो सिंपल क्षमा चाहते हैं इस हार्ड मैसेज के लिए हमारी तरफ से, बट आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए इस स्टॉक को एट करंट मार्केट प्राइस एवरेज करने के लिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी 10% के पास आपका पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डू आई इन्वेस्ट मोर टू ब्रिंग डाउन एवरेज प्राइस? आंसर इज नो, प्लीज डू नॉट डू दैट और जस्ट होल्ड। यस, प्लीज कंटिन्यू टू होल्ड योर शेयर, और इसको जब 200 रुपये के ऊपर जाए अपना पोर्टफोलियो साइज को थोड़ा कम कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड व्हेन थिंग्स इंप्रूव, इफ दे इंप्रूव सेल ऑफ, हाउ डू आई गो अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट? तो शायद हमने आपको बता दिया है, हमारे हिसाब से फ्यूचर रिटेल से FEL मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करेंगे तो FEL से आपको शायद रिलायंस भी मिल सकता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 373 पूछा गया जेम्स अब्राहम जी के द्वारा। इनका प्रश्न है, इट विल कम डाउन टू 66 टुडे, सो इट्स प्रॉब्ली मोर लाइक अ कमेंट। इन्होंने कमेंट किया था जब हमने CCI के चेयरमैन का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था उस वीडियो पर। सो जेम्स अब्राहम जी, यू मे बी राइट, और दिस इज हाउ माई माइंड सेट वर्क्स। अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, वी एक्सपेक्ट दैट एज अ जेंटलमैन वी कुड एग्री टू डिसअग्री, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम यू मे बी राइट, बट द हिस्ट्री हैज़ नॉट प्रूवन यू राइट। अभी के हिसाब से अगर आप प्राइस देखेंगे तो देखिए, फ्यूचर रिटेल का अगर हम प्राइस की बात करें, 68 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इसने एक पॉजिटिव काफ़ी दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश की है, एटलीस्ट डे के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो। एक बहुत विक्स लंबी बनी है, एक परफेक्ट डॉजी की तरह से कैंडल बनी है। यू मे बी राइट कि ये 66 तक आ सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ है, क्लोज होते होते थोड़ा ऊपर ही क्लोज हुआ है। हम हमेशा कहते हैं यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड CCI अप्रूवल इज द नेक्स्ट की ट्रिगर जो इसके लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 374 क्वेश्चन पूछा गया है सुजय झा जी के द्वारा। टुडे आई बॉट 1 लाख शेयर ऑफ फ्यूचर कंज्यूमर एट एंड 2400 शेयर ऑफ फ्यूचर रिटेल, थैंक्स फॉर द अपडेट। तो सुजय जी, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 5% की आपकी लिमिट आपको ध्यान रखनी है। फ्यूचर ग्रुप के टोटल आपके साइज जो है पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और CCI अप्रूवल इज द नेक्स्ट पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर दिस ट्रिगर, जैसा कि उनके चेयरमैन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 375 पूछा गया है राजीव शर्मा जी के द्वारा। राजीव जी, आई थिंक आपका प्रश्न पहले भी हमने लिया था, तो धन्यवाद अपने प्रश्न पूछने के लिए। सर, वाई FSC शोइंग अ लिटिल पॉजिटिव अप ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज, इज इट टोटल टेक्निकल मूव? तो देखिए, जो CCI चेयरमैन का स्टेटमेंट आया है अबाउट इनोवेशन इन सप्लाई चेन, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी व्यू, क्योंकि वो पहले भी उसके हिसाब से उसमें पॉजिटिव थे। जैसा आपने बताया, फ्यूचर सप्लाई चेन वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एजाइल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सप्लाई चेन परस्पेक्टिव, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा इनोवेशन उन्होंने किया है। टेक्निकल्स, यू आर ऑल्सो राइट, टेक्निकली अगर देखें तो देखिए, अगर हम फ्यूचर सप्लाई चेन को बात करें यहाँ पर, तो फ्यूचर सप्लाई चेन ने एक बहुत अच्छा कप पैटर्न बनाया है यहाँ पर, उसके बाद में हैंडल आएगा और उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो टेक्निकल पैरामीटर पर भी कुछ अगर पैरामीटर्स की स्टडी ऐड की जाए, देखिए यहाँ से MACD को अगर देखें तो MACD ने क्लियर कट इसका बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है। यहाँ से तब से इसने बाय सिग्नल को नहीं तोड़ा है, 89 के ऊपर से तब से इसने कंटिन्यूसली बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि लो बनाया है 78 का, और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है। ये बैड न्यूज़ के बाद भी इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम रखा है अपने शेयर के साथ में। ओवरऑल देखा जाए तो दिन पूरा पॉजिटिव था, हर फ्यूचर ग्रुप का शेयर पॉजिटिव बन हुआ है, सबसे ज़्यादा FSC, उसके बाद में FMNL, और हो सकता है ये शुरुआत है, कल से हो सकता है हमारा अपर सर्किट भी चले, ओनली टाइम विल टेल। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हम टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, चाहे तो देख सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।